हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे एक इजी एंड क्विक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम सामग्री से बन जाती है और जो लोग बेचलर हैं या हॉस्टल में रहते हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। पैन में सरसों का तेल ऐड करना है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी तेल या घी ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर प्याज ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कट करके लिए हैं, ऐड कर देना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सौटे करना है। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिए हैं, चिकन को ऐड कर देना है। और चिकन को ऐड करने के बाद तेज आंच पे चिकन को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक सौटे करना है। लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए, चिकन को तकरीबन 2 मिनट से तेज आंच पे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ, चिकन अच्छी तरह से भून गया है। तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, 1 1/2 टीस्पून। तो ये देखिए, 1 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से 1 मिनट तक चिकन को सौटे कर लेना है, जब तक लहसुन का कच्चापन हट नहीं जाता। तकरीबन 1 मिनट से चिकन भून रहा है और लहसुन का कच्चापन अच्छी तरह से हट गया है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 5 से 6 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज्यादा रख सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करना है। तो ये देखिए, 2 टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद 1/2 मिनट तक सौटे कर लेना है और फिर इसमें कुछ मसाले जाएंगे। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद धनिया जीरा पाउडर जाएगा, तो मेरे पास धनिया जीरा पाउडर मिक्स है, तो मैंने यहाँ पर 1 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास अलग अलग है तो 1 1 टीस्पून ऐड कर सकते हो। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। सभी मसाले को ऐड करने के बाद 1 मिनट तक सौटे कर लेना है और 1 मिनट तक सौटे करने के बाद फिर इसमें आलू जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू को छील के छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं, ऐड कर देना है। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये चिकन करी आलू के साथ बहुत ही मजे का बनता है। आलू ऐड करने के बाद आलू, चिकन और मसाले को 1.5 से 2 मिनट तक सौटे कर लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है और फिर इसमें ग्रेवी ऐड होगा। तो ये देखिए, चिकन तकरीबन 2 मिनट से भून रहा है, तो अब मैं इसमें ग्रेवी ऐड कर दूंगी। और ग्रेवी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, क्योंकि ग्रेवी ऐड करने के बाद चिकन को तकरीबन 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक चिकन और आलू अच्छी तरह से पक नहीं जाते। तो ग्रेवी मैंने ऐड कर दिया है, अब सभी चीजों को एक बार मिक्स कर देना है और ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कम से कम चिकन को पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए, चिकन बिल्कुल डन है, ग्रेवी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो लास्ट में कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप सबको मेरी ये बैचलर स्टाइल चिकन करी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।